नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके फेसबुक आईडी हैक होने की खबरें अब लगातार आ रही हैं। बिहार के भी पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया और उसके बाद उनकी तस्वीर की जगह पर एक लड़की की तस्वीर लगा दी गई। इसके अलावा उनके फेसबुक आईडी से गलत सूचनाएं भी पोस्ट की गई, कई अश्लील वीडियोज भी शायद शेयर किए गए। हालांकि जब यह खबर पूर्व मंत्री महोदय को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना क्राइम विभाग को की, जो साइबर क्राइम का विभाग है उसको दी और एसपी से भी इस पर बात की। उसके बाद उनका फेसबुक आईडी हालांकि फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स थे उनके फेसबुक आईडी के वो काफी ज्यादा वायरल होने लगे और लोगों में गलत सूचनाएं फैलने लगी कि यह सब पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार के द्वारा शेयर किया गया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि यह किसी हैकर का कार्य था जिसने आईडी हैक करने के बाद इस तरह की घटना जो है उसको अंजाम दिया है। और इस पर अब पूर्व मंत्री प्रेम कुमार की भी प्रतिक्रिया हमारे सामने आ गई है, क्या कुछ कह रहे हैं पहले हम उन्हें सुन लेते हैं। 11 जनवरी 2021 समय लगभग 3 बजे जब मैं अपना फेसबुक अकाउंट देखा तो पाया कि मेरे अकाउंट प्रोफाइल फोटो के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है तथा कई लोगों ने मुझे टेलीफोन पर बताया। तुरंत हमने लगा कहीं मामला गड़बड़ है और लगा कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। तुरंत हमने सीनियर एसपी को सूचना करवाया और स्थानीय थाना कोतवाली को हमने लिखित में दिया है करके इससे संबंधित जो भी लोग हैं तुरंत जांच करके ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। तो अभी आपने सुना पूर्व मंत्री और अब विधानसभा में याचिका समिति के सभापति प्रेम कुमार को, जिन्होंने बताया कि 11 जनवरी के दिन उन्हें इस बात का पता चला कि उनका फेसबुक जो पेज है उसे हैक कर लिया गया है और उससे कई तरह की गलत सूचनाएं जो है वो शेयर की जा रही है। उसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी और क्राइम विभाग जो साइबर क्राइम का विभाग है वो अब इसकी जांच में जुट गया है कि कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। ऐसे कई बार भी अन्य जो मंत्री हैं या बड़े बड़े लोग हैं उनके फेसबुक आईडी को हैक कर लिया जाता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और अब बिहार के और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रेम कुमार के साथ भी इस तरह की घटना घट चुकी है। हालांकि अब फेसबुक आईडी उनका ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर आप तक इस तरह की खबरें पहुंची हो जिसमें प्रेम कुमार पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के आईडी से कुछ अश्लील फोटोज या वीडियोज आपको दिखाई दे तो बिल्कुल भी वो गलत हैं और किसी हैकर के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।